গাড়ির ওপর। हाय, कहाँ से हो? लंदन से। तो यहाँ क्यों? यहाँ आध्यात्मिक खोज के लिए आया था। क्या खोजना है आपको? मुझे जानना है कि नेचुरल पावर क्या है, शक्ति क्या है। मैंने सुना है कि इंडिया में काफ़ी सारे गुरु हैं जो ये सब सिखाते हैं। तो फिर आप सही आदमी से मिल गए। ठीक है, हमारे पुणे जी का यहीं पे आश्रम है पास में। ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए फिर उनसे मिलते हैं, आपके गुरुजी से। कहाँ पर है, ले जाइए मुझे। प्रणाम गुरुजी, ये लंदन से आए हैं, ये भारत में आध्यात्मिक खोज के लिए आए हैं, तो मैं सीधा इन्हें आप ही के पास ले आया। बोलो, व्हाट, यहाँ पे क्यों आए हो? मैं आध्यात्मिक खोज के लिए आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे जानना है कि ये दुनिया में मेरा क्या मकसद है। तो प्लीज गुरुजी, तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए उपवास करना पड़ेगा, और उपवास करने से मन शांत रहेगा और मन पे काबू रहेगा। तो क्या तुम सज्ज हो वत्स? ठीक है गुरुजी, मैं आपसे ही उपवास शुरू करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ मित्र, इतना ढीले क्यों लग रहे हो? मेरा शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। क्यों, क्या हुआ, इतना कमजोर क्यों हो गए हो? मैं कुछ दिनों से उपवास पे हूँ। तो उपवास क्यों कर रहे हो? मुझे अपने आप को जानना है, परमात्मा को पाना है, और वो शक्ति को जानना है, इसके लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। वो शक्ति के लिए उपवास कर रहे हो? अरे परमात्मा को जाने के लिए उपवास की क्या जरूरत है। पहले बैठो मित्र, हम बात करते हैं। बैठो बैठो मित्र, यहाँ क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? मैं लंदन से आया। क्यों आए हो? मैं आध्यात्मिक खोज के लिए आया। आध्यात्मिक खोज के लिए उपवास कर रहे हो? उपवास किसने बोला उपवास करने को? मुझे एक गुरु जी ने बोला कि आप कुछ दिनों के लिए उपवास करोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं होती मित्र, ऐसे भूखे रहने से भगवान मिल जाता तो मैं भी उपवास करना शुरू कर लूँ आज से।
भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता, पहले शरीर की जो भूख है उसे मिटाओ मित्र, भूखे भूखे कभी परमात्मा नहीं मिलता। जो उपवास जो साधना आपको अपने पैर पे खड़ा नहीं कर सकती, तो महान शक्तियों को आप कैसे पाओगे? ये नहीं हो सकता। पहले शरीर की जो भूख है उसे पूरी करो, फिर उसको पाने की बात करो। क्योंकि जब शरीर में ही भूख हो, आप भूखे पेट सत्संग नहीं कर सकते। कभी करके देखो, भूखे भूखे सत्संग करोगे तो बाहर बाहर से सत्संग आएगा और भीतर पेट खाना मांगेगा। मित्र ऐसे नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो पहले हमारा शरीर ऊर्जावान होना चाहिए। शरीर में ही ऊर्जा नहीं है तो मन अशांत रहेगा, और जो मन अशांत रहता है वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता, वो ऊर्जा को नहीं पा सकता। इसीलिए मित्र पहले तुम खाना खा लो, ये गलत है। इस दुनिया में बहुत धर्म ऐसे हैं जो आप जैसे को भटका रहे हैं। अभी परमात्मा उपवास करने से मिल जाता, मंदिर मस्जिद से मिल जाता, ये पूरी दुनिया में सब लोग परमात्मा को पा लेते। सभी लोग मंदिर जा रहे हैं हर रोज, सभी लोग मस्जिद जा रहे हैं हर रोज, यहाँ किसी को परमात्मा नहीं मिलता। मित्र परमात्मा स्वयं के भीतर है। तुम्हें परमात्मा प्राप्ति करनी है तो तुम्हें स्वयं के भीतर जाना होगा, अपने आप को जानना होगा, तब जाके वो मिलेगा। और अपने आप को जानने के लिए हर रोज ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान। और ये मत पूछना कि मुझे कितना टाइम लगेगा वो ऊर्जा को पाने में। वो ऊर्जा को पाने में एक दिन भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, और यह जन्म भी। पर तुम उसकी चिंता ना करो, ध्यान करते जाओ, वो सब अपने आप हो जाएगा। और पहले शरीर की जरूरत को पूरा करो। मित्र पहले खाना खा लो। मित्र आओ इधर, आओ उनको अन्नपूर्ण देवी के पास ले जाओ और पहले खाना खिला दो, उसे तृप्त कराओ। अब जाओ उसको ले जाओ, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। भगवान भूखे रहने से नहीं मिलते, भगवान भाव के भूखे हैं। पहले आप प्यार से खाना खा लो। धन्यवाद मित्र, आज मैं तृप्त हो गया, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं हर रोज ध्यान करूंगा और आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। धन्यवाद। कोई कितना भी भटका है, ध्यान के अतिरिक्त वो नहीं मिलता। ध्यान करना, ध्यान से ही वो पाया जाता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं।